में आ रहा था, एक मतलब अच्छी सी लड़की बैठी हुई थी, उसे मुझे अपना इंस्टाग्राम उतार दिया। क्या अभी रुद्रप्रयाग बाईपास में है और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है ना, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ और अभी जस्ट घर पे हूँ। मौसम तो बारिश का बना हुआ है, लेकिन देखते हैं कि रास्ते में कैसा मौसम रहता है, बारिश होती है या श्रीनगर पहुँचने तक धूप रहती है। तो अभी घर ही पे हूँ। मम्मी ने 5 रुपये दे दिए कुरकुरे खाने के लिए। तो अभी जो है जस्ट ये करते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि खाना बनाते हैं, मैंने कहा खाना वाना छोड़ो, अब सीधे रूम पे जाऊंगा, रूम पे ही खाना खाऊंगा। तो अभी दोस्त को भी फ़ोन कर लूँगा कि भाई चावल चावल बना के रखना, तो तब तक पहुँच जाऊँगा, मतलब 12 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा, 12-1 बजे तक। तो चलिए चलते हैं और आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। वही सोचा था कि बारिश लगेगी और सामने देखो वहाँ पे बारिश लग चुकी है, और वहाँ से उस वाली साइड से जब बारिश लग रही है ना, मार्केट वाली साइड से, तो वो हमारे गांव की साइड आ सकती है। दरअसल पहाड़ों में होता ही ऐसा है कि जब बारिश लगती है नीचे वाली साइड, तो वो हमारे गांव की साइड आती है। और अभी जो है चलते हैं श्रीनगर की ओर। तो जब गाँव में आते हैं ना, हर कोई ये आपको ज़रूर पूछता है कि अब तू कब आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात, चढ़ाई का रास्ता है तो टाइम से रोड पे जाना है, कहीं मैं बारिश में ना भीग जाऊँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो रोड पे पहुँच गया और बारिश भी ठीक ठाक लग चुकी है। अरे अभी तो लग ही रहा है कि बारिश तेज़ लगेगी, और मैं जो हूँ तेज़ भाग भाग के रोड पे आया हूँ ताकि टाइम से गाड़ी मिल जाए और टाइम से निकल जाऊँ। क्या ज़बरदस्त बारिश लगी भाई, यहाँ यहाँ तक पहुँच गया। और मेरा गाँव उसके बाद थोड़ा ही है, और यहाँ पे देखो कार के साइड में कितने बड़े पत्थर लगा रखे हैं भाई। वो तो अच्छा हुआ कि जब मैं केदारनाथ की यात्रा पे गया था, तो उस टाइम पे मैंने जो है रेन कवर रख लिया था, और बैग का रेन कवर तो है ही। दूसरी बात यह है कि बारिश अगर तेज़ लग गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, सिरों वगैरह टूट जाएगा, और फिर श्रीनगर में कैसे पहुंचूंगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने। तो अभी तक बिल्कुल मौसम साफ था, लेकिन अभी एकदम से कोहरा आ चुका है। तो कोहरा इतना तगड़ा आ रहा है वैसे ही। अब मुझे लग रहा है अगर गाड़ी नहीं मिलती है भाई, लिफ्ट मांग के ही जाऊँगा। अब तो कोई सा भी आ जाए उससे लिफ्ट मांग लूँगा, लेकिन तब भाई एक तो लिफ्ट मांगने में दिक्कत यह है, टू व्हीलर में जाऊंगा तो पूरा भीग जाऊंगा। दरअसल मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो ताऊ जी ने मुझे लिफ्ट दी, और ताऊ जी के साथ अगस्तपुरी तक जाऊंगा, उसके बाद जो है वहां से श्रीनगर के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। तो मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है या मौसम कैसा रहता है, बाकी तो पीछे कोहरा लगा हुआ है। अभी रुद्रप्रयाग बाईपास में है और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पीछे इतने सारे लोग खड़े हो रखे हैं, लेकिन गाड़ी एक भी नहीं है, और बस तो आजकल रुक नहीं रही है। यात्रा की वजह से जो है दिक्कत हो चुकी है, बस ऊपर से ही फुल भर के आ रही है, तो बस तो रुक नहीं रही है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल रही है, जो टैक्सीज वगैरह हैं वो ऋषिकेश के लिए बैठा रही है सीधे सवारी, और श्रीनगर के लिए मना कर रही है। तो दिक्कत यह है कि अगर टाइम पर गाड़ी, मतलब अगर कोई बस मिल जाती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं तो कोशिश करूँगा किसी से लिफ्ट मांगूँ और निकल जाऊँ भाई, ऐसे में ही फ़ायदा है अभी। तो बाकी तो देखते हैं क्या होता है, लिफ्ट मांगनी पड़ेगी भाई किसी न किसी से, अगर कोई मिल जाता है तो सीधे निकलो। ये रुद्रप्रयाग बाईपास है और यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो रखे, पीछे तक जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सारे नीचे जाने वाले हैं, ऋषिकेश वगैरह वाली साइड सब उधर ही जाने वाले हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि बस पॉसिबल नहीं है, और बस शायद
मार्केट में मिल जाती तो मैं मार्केट गया नहीं। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, अगर मैं मार्केट जाता तो मार्केट में शायद गाड़ी मिल जाती। एक बार फिर से श्रीनगर पहुंच गया हूं और अभी जो है बड़ी मुश्किल से भाई गाड़ी मिली रुद्रप्रयाग पे, और पीछे मतलब इतने लोग भर गए थे, ना तो हाथ रखने की जगह थी ना कुछ थी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से पहुंच गया फाइनली श्रीनगर। और अभी जो है रूम पे जा रहा हूँ तो पवन भाई खाना बना रहा होगा। पवन भाई ने बोला दही लेके आना, तो एक छोटा सा पैकेट ले लिया है क्योंकि दो तीन जने खाने के लिए इतना इनफ होता है। वैसे मुझे मार्केट की दही पसंद नहीं आती, पता नहीं पहले तो मैं बहुत खाता था लेकिन अभी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और 12 बजे मैं श्रीनगर पहुंच गया। रूम पे जाना है, फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, फिर मम्मी औरों को सबको फ़ोन करते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं, तो जल्दी से आप कमरे पे चलते हैं। फाइनली भाई रूम के पास पहुंचे और ये है अपना रूम। रास्ते के हाल भी देख रहे हो बारिश की वजह से क्या हो रहा है। अच्छा रूम पे कुकर के सीटी की आवाज़ तो आ रही है, यानी पवन भाई कुछ बना तो रहे। हेलो पवन भाई अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यार, मस्त लग रहे हैं यार, क्या बात है यार। क्या बनाया तुमने? भूख लगी यार भाई, तो हमको लग चुकी है भूख और हमने सोचा था, देखो मैंने क्या बोला था अभी आते हुए, पवन भाई ने खाना खोना सब बना दिया होगा बिल्कुल एकदम, और यहाँ पे आए हैं तो भाई या तो कुछ नहीं बनाए, और हम आपके लिए मस्त चीज़ लाए यार खाने के लिए। आज का बैग पवन भाई के पास जाएगा आज खोलने के लिए। लो जी, तो देखो बैग इतना भारी था। और भाई तुझे पता आज क्या हुआ? और भाई मैं गाड़ी में आ रहा था, एक मतलब अच्छी सी लड़की बैठी हुई थी, उसे मुझे अपना इंस्टाग्राम उतार दिया। क्या जबरदस्त बात बताई ना मैंने, मजा आया था सोच के। और अभी आते हुए एक लड़की पता क्या उसे बाई कर रही थी। अरे यार पवन भाई देखो क्या है तुम्हारे यार, यही तो बात है यार पवन भाई तुम्हारी, यही तो बात है। देखो यार मयंक भाई तो मुझसे कितने कितने मिनट पहले आ गए थे, आधे घंटे पहले। जाओ यार झूठ भाई, मैं 5 मिनट पहले आए थे और ये दोनों भाई हैं, तो वो आगे चलेंगे और हम पीछे चलेंगे, हम क्या कहते हैं उसको मयंक भाई के साथ चलेंगे। तो मयंक भाई आपने हमारा एक अच्छा खासा प्लान बनाया शाम का, बिल्कुल अच्छा लगा, हम सो रखे थे बिल्कुल, और भाई से भी बिल्कुल ट्रिप काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। और कैसा रहा फिर? अरे बहुत गजब। आप तो यार पीछे मतलब बिल्कुल क्या सहमे सहमे लग रहे हैं क्योंकि ठंड हो गई आजकल,
बता यार, हम हाफ में और तबीयत ठंड हो गई है, ऐसे मत बोला है। नहीं, कल पूरी रात भर बारिश में भीग गई। अरे ऐसा कहाँ चले गए तुम, कड़वा चौथ मना रहे थे क्या? हाँ वही कुछ ऐसे। कल रात को अभयंग भाई, कल रात को बंदा बारिश में कड़वा चौथ मना रहा था, कल पूरा भीगा है। बताओ अभी क्या बोले हम, करवा चौथ में मना रहा था। करवा की कड़वा, इन्होंने कड़वा मनाया। होता है इस उम्र में लोग अंदर उत्सुकता होती है। हाँ, उत्सुकता होती है, पर ऐसा है कि मैं लॉबी आवाज बनना चाहता हूँ। वो ये स्पेशल है। हाँ, वो काफी अच्छा प्लान है, प्लान अचानक काफी बढ़िया ये प्लान बना, काफी मजा आया। ऐसे हमारे भाई ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, भाई से मेरा कॉन्टेक्ट ऑलरेडी पहले से है, तो आज हमारे गढ़वाली, नमस्ते गढ़वाल से भी इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने इनका वीडियो पहले भी देखा है, भले सब्सक्राइब उस टाइम पे नहीं किया था। मैं मोटो ब्लॉग ज़्यादा देखता हूँ, तो इसलिए मैंने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था उस टाइम पे, तो अभी कर चुका हूँ। और आप भी करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। तो देखो ये होता है बी ऑनेस्ट होना, पता तुम्हें बी ऑनेस्ट ऐसे होता है। देखो भाई ने क्या बोला, मैंने पहले देख ही नहीं, लगे सब्सक्राइब नहीं किया था। बाकी अरे तो मैं भाई अगला प्लान बनाएगा हम पौड़ी का, ठीक है, उससे पहले अगर कहीं और का बनेगा तो जरूर बताएंगे आप। मैं तो सोचता हूँ एक बार कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे कुछ। तो अभी थोड़ा इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ। हाँ बाद में, उसके बाद।